इस कायनात, इस ब्रह्मांड में तारों की हजारों ग्रुप्स हैं जो गैलेक्सीज कहलाते हैं। हमारी दुनिया जिस गैलेक्सी में है उसे मिल्की वे यानी आकाश गंगा कहा जाता है। मेरे पति जो एक स्पेस साइंटिस्ट थे कहा करते थे कि आकाश गंगा की तरह और भी अनगिनत गैलेक्सीज हैं जिनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन भी हो सकता है। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, दूसरी दुनियाओं में जीवन की खोज। उन्होंने तरह तरह के गैजेट्स बनाए थे जिनके जरिए वो डाटा यानी इंफॉर्मेशन जमा किया करते थे और स्पेस में साउंड सिग्नल्स भेजा करते थे। उनका कहना था कि आवाज कभी नहीं मरती और हमेशा ब्रह्मांड में लहरों की शक्ल में घूमती रहती है। उन्हें यकीन था कि किसी न किसी और दुनिया में कभी न कभी कोई उनकी साउंड सिग्नल जरूर सुनेगा और जवाब जरूर देगा। एक शाम सोनिया, सोनिया, सोनिया जी आई। क्या हुआ? ये देखो, उनका जवाब आ रहा है। They are responding. मगर ये आवाजें? मैंने ओम शब्द को लेके इस ऑक्टोपैड के जरिए एक पैटर्न बनाया और इस पैटर्न को कंप्यूटर पे डिजिटली कन्वर्ट करके मैंने स्पेस में साउंड सिग्नल्स भेजे हैं। और ये देखो सोनिया, दूसरी दुनिया से किसी का जवाब आ रहा है। ये देखो, मैं कामयाब हो गया। आई अचीव द ब्रेक थ्रू सोनिया, आई अचीव द ब्रेक थ्रू। हमें जाके स्पेस सेंटर को इन्फॉर्म करना चाहिए। सो डॉक्टर मेरा, दे टॉक टू यू? सो डिड दे से हेलो एंड आस्क यू हाउ द वेदर वाज ऑन अर्थ? आई एम सॉरी सर, बट दिस इज नॉट अ जोक। डॉक्टर मेहरा, ये रिसर्च सेंटर देख रहे हैं आप? सालों से हम इसी रिसर्च में लगे हुए हैं और उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैंने भी अपनी सारी जिंदगी इसी खोज में बिताई है। तरह तरह के साउंड वेव्स भेजे हैं, तरह तरह के साउंड इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए हैं और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब मैंने ओम शब्द के साउंड को अलग अलग वेरिएशंस में अलग अलग नोट्स में भेजे तो हो सकता है वो। What is this Om? Om he is talking about? Om is a Hindu religious word, which has all the vibrations of the universe. Oh, so they also believe in your religion as well. Listen, Dr. Mehra, daydreaming is a very bad habit. Believe me, sir. I can prove it to you. You are wasting our time, Dr. Mehra. Please go home. कहते हैं दिन में सपना देखना बुरी आदत है, घर जाओ सो जाओ। ये भी नहीं जानते हर डिस्कवरी हर खोज पहले एक सपना ही होता है। तुम दिल छोटा मत करो संजय, दुनिया हर नई बात को पहले ठुकराती है बाद में मान लेती है। हमारे साथ भी यही होगा संजय। क्या ये हो सकता है कि इस ब्रह्मांड की वो दुनियाएं जो एक दूसरे से करोड़ों मील दूर हैं, कभी मिल पाएंगी? क्यों नहीं हो सकता है? जिस तरह हम चांद पे गए हैं, मार्स और जुपिटर पे स्पेस शटल्स भेजे हैं, उसी तरह वो भी हमारी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे।
इसलिए कई बार उड़न तश्तरी यानी यूएफओस देखे गए हैं। ये लाइट्स ऑन ऑफ क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? एक पल में जिंदगी भर के सारे सपने टूटकर बिखर गए। दूसरी दुनियाओं को खोजने वाला खुद पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया। उनके बाद मैं कनाडा में किसके सहारे रहती? रोहित भी छोटा था, इसलिए यहां अपने घर आ गई। मिसेस मेहरा, आपकी बातें सुनकर मुझे पूरी केस हिस्ट्री समझ में आ गई है। ये रोहित के दिमाग की एक्सरेज हैं। ये देख रही हैं आप, ये सफेद सा दाग, इसे ग्लाउसिस कहते हैं, जो दिमाग पर चोट लगने की वजह से होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, रोहित के साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हुआ मिसेस मेहरा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरह आप अपने पेट के बल गिरी थी, तो बच्चे के दिमाग पर चोट लग गई जो उस वक्त आपके पेट में था, और उसके दिमाग का ये हिस्सा डैमेज हो गया था। यही कारण है कि उसकी मेंटल ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2.5 साल के बच्चे जितना है। I'm afraid, जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा? इलाज है, ब्रेन का ऑपरेशन। लेकिन क्या? इस केस में कामयाबी की चांसेस बहुत कम है। अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो पूरी बॉडी को पैरालिसिस हो सकता है, या फिर डेथ। नहीं, मैं पहले सब कुछ खो चुकी हूं। अब रोहित के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। मैं उसे नहीं खो सकती। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2.5 साल के बच्चे जितना है। जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। सॉरी सकुआनी अंकल। अरे क्या सॉरी, बाल मार मार के देखो क्या हालत बना दिया है घर का।